हाय फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS के बारे में। तो CSS सबसे पहले जान लेते हैं कि CSS होता क्या है। तो CSS का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसका यूज शीट को स्टाइल करने के लिए यूज होता है। और CSS का यूज देखो यानी डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं। और CSS कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं और इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं CSS का तीन तरीके से लिखे जा सकते हैं। पहला है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में क्या होता है कि ये हम ओपन टैग के अंदर हम CSS लिखते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल ले रखे हैं, इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि हेडिंग टैग के अंदर हमने CSS किया है। और उसी और ऐसे दूसरा CSS टाइप है एम्बेडेड CSS। एम्बेडेड CSS में क्या होता है कि इसको वो हम हेड में लिखते हैं। बेसिकली इसको हम हेड में ही लिखते हैं, स्टाइल का यूज करके हम हेड में लिखते हैं। और एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कमेंट कैसे करते हैं। जैसे कि वहाँ पर हम HTML में कमेंट दूसरी तरीके से करते हैं, वहाँ पर एंगल ब्रैकेट का यूज करके और ये सब एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करके वहाँ पर कमेंट करते हैं, वैसे यहाँ पर नहीं है। CSS में हम कमेंट करते हैं ब्लैक स्लैश एंड स्टार एंड ब्लैक स्लैश, इस तरह हम इसका कमेंट करते हैं। और इसमें होता हाँ, फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं कि जैसे कि दिखाएं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से तो ज़्यादा क्लियर होगा सारी चीज़ें। जैसे ये यहाँ पर हेड टैग के अंदर ही लिख रखे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अब इसमें CSS एज ए थ्री पार्ट, इनके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है सेलेक्टर, दूसरी होती है प्रॉपर्टी एंड तीसरी वैल्यू होती है। अब जैसे कि यहाँ पर सेलेक्टर मतलब होता है कि किस चीज़ को सेलेक्ट करना चाहते हो, वो पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाह रहे हो, हेडिंग को सेलेक्ट करना चाह रहे हो, या हेडिंग के अंदर जो पैराग्राफ वो हेडिंग के अंदर जो पैराग्राफ है या क्लास है उसको तुम सेलेक्ट करना चाहते हो, यही इसी चीज़ को हम कहते हैं सेलेक्टर। और उसके बाद में हम कलर के बारे में प्रॉपर्टी बारे में आते हैं। तो प्रॉपर्टी में क्या देना चाहते हो, जैसे बोल्ड करना चाहते हो या उसकी साइज में या हाइट में इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रॉपर्टी। और उनकी वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू वो जो आप दे रहे हैं कि कलर रेड है, इन सारी चीज़ को कहते हैं वैल्यू। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। जैसे कि हम यहाँ पर कर रखे हैं हेडर में, सबसे पहले हम स्टाइल में हम लिखेंगे टाइप टेक्स्ट एंड CSS। सबसे पहले हम स्टाइल टैग के अंदर सारी चीज़ें लिखेंगे और ओपन टैग और क्लोज टैग के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो टारगेट क्या रखा है, हेडिंग वन, हेडिंग थ्री को और हेडिंग थ्री ब्लू को। जैसे कि यहाँ पर हेडिंग थ्री इसको टारगेट किया है और इसको टारगेट किया है। अब यहाँ पर क्लास दे रखा है ब्लू और यहाँ पर क्लास दे रखा है रेड, ठीक। तो यहाँ पर रेड वाला और ब्लू वाले दोनों को टारगेट किया। और टारगेट करने के आईडी को जो यदि तुम टारगेट कर रहे हो तो वो तुम्हें हज के साथ उसे लिखना होगा। और जो तुम क्लास को टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें कह सकते हैं कि पॉइंट के साथ या टैग करना होगा। और उसकी वैल्यू, ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू सेमी कॉलन का यूज करके हम प्रॉपर्टी की वैल्यू देते हैं। होप मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है भाई तो आप बता सकते हैं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब नीचे तीसरा आता है स्टैंडर्ड CSS। स्टैंडर्ड CSS में क्या होता है कि स्टैंडर्ड CSS में अलग पेज बनाते हैं और उस पेज को मेन पेज से, इंडेक्स वाले पेज से, HTML वाले पेज से लिंक कर देते हैं। फिर उसके बाद में टारगेट करके ये हम उसको उस पर स्टाइल करते हैं, ठीक है। इंडेक्स CSS और स्टैंडर्ड CSS में बस सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसको दूसरे पेज में लिखते हैं और उसको उसी पेज में लिखते हैं, HTML वाले पेज में। फिर हम बात करते हैं हेडिंग, जैसे कि आपको बता रखे हैं हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री में
कलर चेंज करने के लिए, तो कलर चेंज करना है तो हेडिंग वन हेडिंग टू, अब उसके बाद में आप कलर चेंज कर सकते हो सी एस एस से, इसका बैकग्राउंड उंड सही कर सकते हो और एनिमेट कर सकते हो, बहुत सारी ही फीचर हमें देता है एच डी एम एल सी एस एस। बेसिक सी एस एस सेलेक्टर, कुछ सी एस एस के सेलेक्टर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। थ्री टाइप ऑफ सेलेक्टर इन सी एस एस, ये पहला सी एस एस एलिमेंट सेलेक्टर है, दूसरा क्लास, तीसरा आई डी। एलिमेंट सेलेक्टर को यानी टैग सेलेक्टर भी कहते हैं, कैन बी सेलेक्ट यूजिंग नेम्स, जैसे पैराग्राफ हो गया, डी हो गया, एच वन हो गया, ई टी सी, ये सब। क्लास हो गया हमारा, तो क्लास का यूज जैसे हम पहले बताया है आपको कि डॉट के साथ हम क्लास का यूज करेंगे। और फिर आईडी का कैसे सेलेक्ट करते हैं, आईडी को हम हैश के साथ सेलेक्ट करते हैं, उसका नाम देते हैं, ये हमारा होता है आईडी सेलेक्टर। ठीक, वी विल यूज प्रोविंग एचटीएमएल अंडरस्टैंडिंग द सेलेक्टर, अब इसके माध्यम से हम एचटीएमएल को सेलेक्टर को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर बॉडी टैग में पैराग्राफ दिया है, इसका क्लास दिया है और एक आईडी दे रखा है। अब हम जब यहाँ पर अब स्टाइल करेंगे, तो स्टाइल में हम यहाँ पर देखो पहले हेडिंग थ्री को, हेडिंग थ्री को टारगेट किए, तो यहाँ पर हेडिंग थ्री हमारा क्या था, टैग था हमारा, एलिमेंट था, टैग था। ठीक है, एलिमेंट और टैग दोनों कह सकते हो, तो एलिमेंट था। ठीक, यहाँ पर एलिमेंट लिख रखे हैं, तो कलर हम, और उसके बाद में कलर नेम देंगे, उसके बाद में वैल्यू उसकी देंगे, से और वैल्यू के सेम कॉलम का यूज करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, हेडिंग थ्री ब्लू कलर का होगा। अब यहाँ फॉन्ट फैमिली कौन कौन सी यूज हुई है, इसमें ये चीज़ें बताइए। अब उसके बाद में हेरेस्की, और हेरेस्की फॉर्म, हेरेस्की क्या होता है, हेरेस्की होता है हमारा इन द प्रीवियस सेलेक्शन बी से द एग्जांपल ऑफ सेलेक्टर इन दिस सेक्शन सेशन बी विल अंडरस्टैंड द हेरेस्की ऑफ द स्टाइलिंग्स। हेरेस्की का मतलब है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब बात कर सकते, कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस किसको दी जाएगी, तो हेरेस्की फॉर्म में एक इम्पॉर्टेंट ये लिख रखे हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है किसकी, आईडी की, उसके बाद में क्लास को, उसके बाद में एलिमेंट की। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने किसी टैग किसी चीज़ को आईडी और क्लास, आईडी और क्लास दोनों दे रखी है, तो सबसे पहले और आईडी में आपने कलर डाल रखा है रेड और क्लास में आपने कलर डाल रखा है ब्लू, तो आपका जो वो टेक्स्ट होगा वो कलर होगा रेड कलर का होगा, यानी प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, आईडी की ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में एलिमेंट, तो ये हेरिस्टिक फॉर्म में दिया हुआ है। देन उसके बाद में बिलो द एचटीएमएल कोड विथ एच टैग के साथ, अब देखो पी टैग है, पी टैग विथ सी, यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको एग्जांपल के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पर क्लास सी हेड एंड सी पी हेड, क्लास यहाँ पर दोनों सेम है। ठीक है, अब इस कलर क्लास को हम यदि रेड कर दें और तो ये रेड नहीं होगी, और इस आईडी को हम ब्लू कर दें तो ब्लू कलर की ही होगी, ये नहीं कि यहाँ पर रेड किए हैं तो रेड हो, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, आईडी की ज़्यादा है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सेलेक्टर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सेलेक्टर और डिस्क्रिप्शन दिया है। यहाँ पर ये सारी एलिमेंट सेलेक्टर हैं पता ही है, ये हमारे क्लास सेलेक्टर हैं, इनको भी हमने आगे देख रखा है। उसके बाद में ये हमारे आईडी सेलेक्टर हैं, इनको मैंने भी देख रखा है। अब न्यू सेलेक्टर हमारे आते हैं जिन्हें यूनिवर्सल सेलेक्टर कहते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब होता है कि पूरे पेज में जितने भी उनका स्टाइल करेंगे तो हम पूरे पेज के लिए अलाउ करते हैं, अप्लीकेबल होता है उस पूरे पेज के लिए, तो ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेलेक्शन। एंड फिर इसके बाद में हमारा होता है एच वन क्लास नेम, ये सेलेक्टर, इसमें क्या होता है कि सेलेक्ट एच वन विथ क्लास क्लास नेम, यहाँ पर हेडिंग वन को सेलेक्ट किया गया है। हेडिंग वन जैसे लिखे हमने हेडिंग वन लिखा, उसमें कई
ही लाइन लिख रखी है। अब हमको एक लाइन को स्टाइल करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास लगाएंगे और हेडिंग वन बताएंगे कि हेडिंग वन के अंदर जो क्लास है उसको सेलेक्ट करके ये स्टाइल की जाए। और उसके बाद में फिर आता है एच वन एंड आई डी। अब आई डी को जो सेलेक्ट करना है तो हम आई डी में पता हैश का यूज करते हैं। अब उसके बाद में अब हमें स्पैन और पैराग्राफ और स्पैन दोनों को सेलेक्ट करना है। डिसेंडेंट सेलेक्टर इसे कहते हैं। डिसेंडेंट सेलेक्टर में क्या होता है कि सेलेक्टर स्पैन विच इन साइड की ये। और उसके बाद में फिर आता है हमारा कौन सा चाइल्ड सेलेक्टर। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाइल्ड सेलेक्टर में क्या होता है कि पैराग्राफ के अंदर जो स्पैन लिखे होते हैं ना उन्हीं को हम चाइल्ड सेलेक्ट। स्पैन विच इज अ डायरेक्टेड डिसेंडेंट ऑफ पी, ठीक है। अब उसके बाद में एच वन एच पी इनको कामा ग्रुप सेलेक्टर होते हैं, इनको कामा का यूज करके सेपरेट कर दिया जाता है और उनको सारे को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब उसके बाद में आते हैं सेलेक्ट स्पैन विथ एट्रीब्यूट माई आई डी। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं इसी प्रकार से। अब अगला वीडियो, होप सो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कुछ नहीं पसंद आया, समझ में आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। या कोई पार्टिकुलर टॉपिक पर आप बताएंगे तो वीडियो बन सकता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।